वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITIS स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में रीमर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी, रीमर के बारे में हमने जाने थे कि रीमर क्या होता है और रीमिंग प्रोसीजर क्या होता है और रीमर कितने प्रकार के होते हैं, रीमर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से रीमर को कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। तो रीमर से ही रिलेटेड आज भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, कैसे हम किसी भी होल के लिए मतलब रीमिंग के लिए ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया हुआ था, एक सूत्र होता है और उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा कि रीमिंग के लिए जो ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं, यानी रीमर के लिए ड्रिल साइज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, किस प्रकार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि आगे वीडियो में मैं ये बताऊंगा, तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं रीमर के लिए ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला और उससे कुछ न्यूमेरिकल से बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है रीमिंग के लिए, वो जो ड्रिल साइज का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। तो इसमें देखिए, ड्रिल साइज इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला ये, ठीक है। ड्रिल साइज इज इक्वल टू होता है रीमर साइज माइनस रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ओके। अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ये जो है ये फॉर्मूला होता है। ड्रिल साइज इज इक्वल टू होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो ओवर साइज जो होता है वह हमने बताया हुआ था कि ओवर साइज जो है हमेशा फिक्स होता है, तो ओवर साइज की बात करें हम, ओवर साइज जो है 0.05 mm होता है जो कि फिक्स होता है। ओवर साइज 0.05 mm होता है जो कि फिक्स होता है, जबकि जो है अंडर साइज प्रत्येक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो अंडर साइज जो होता है, जो भी रीमर का साइज होता है वो उसके द्वारा इसका अंडर साइज फिक्स होता है कि इतना से इतना के लिए ये होता है और अलग अलग प्रकार के ये होते हैं। तो हम बात करते हैं आज न्यूमेरिकल से, कुछ प्रश्न कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम यदि आप देते हैं तो इससे भी क्वेश्चन एक आते हैं, एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल होंगे, तो इसलिए इसके बारे में आज हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, जो न्यूमेरिकल है उससे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इसमें अंडर साइज और ओवर साइज से रिलेटेड जो बात हो रही थी, ओवर साइज हमने बताया कि 0.05 mm होता है और ये फिक्स होता है, जबकि अंडर साइज जो होता है वह विभिन्न प्रकार के लिए रीमिंग की जाने वाले होल के लिए अलग अलग होता है अंडर साइज। तो एक बार मैं आपको डिनोटेड कर देता हूं कि ये कैसे होता है। 5 mm से कम का जो रीमिंग का जो साइज होगा, रीमर का साइज, उसके लिए अंडर साइज 0.1 से 0.2 mm तक होगा, और 5 mm से 20 mm का जो रीमर साइज होगा उसके लिए अंडर साइज 0.2 से 0.3 mm होगा, और फिर आगे 21 से लेके 50 mm तक के जो रीमर साइज होगा उसके लिए अंडर साइज 0.3 से 0.5 mm होगा, और 50 mm से जब ज्यादा की बात करते हैं रीमर साइज की, तो उसके लिए अंडर साइज 0.5 mm से 1 mm तक होता है, और ओवर साइज 0.05 mm होता है जो कि फिक्स होता है। तो हम आज अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ड्रिल साइज इज इक्वल टू रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। अंडर साइज रीमर साइज के अनुसार बदलता रहता है, जबकि ओवर साइज 0.05 mm होता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए, तो एक क्वेश्चन है, ये है कि 20 mm व्यास के लिए रीमर होल साइज
के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करें। ओके, यानी 20 mm व्यास है, एक होल है 20 mm का है, और उसके लिए रीमर होल के लिए ड्रिल साइज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए ड्रिल साइज के लिए हमें फॉर्मूला होता है, ड्रिल साइज इज इक्वल टू रीमर साइज, रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक होल है 20 mm व्यास के रीमर के होल के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करें। यानी जो है हमें रीमर साइज जो दिया हुआ है ये 20 mm है, रीमर का साइज 20 mm दिया है, माइनस अब ये 20 mm है तो 20 mm तक के लिए क्या होता है, हमने बताया अभी कि जो 5 से 20 mm तक के लिए अंडर साइज की बात करें तो 0.2 से 0.3 होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये 20 mm रिमर साइज हो गया, अंडर साइज होगा 0.3 होगा। ठीक है, और जो है ओवर साइज की बात करें तो ओवर साइज हमेशा जो होता है कॉमनली 0.05 mm होता है, अभी हमने बात किया था। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस, फिर इसको ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 0.35, और ये इसमें से घटाएंगे जब हम तो ये हो जाएगा 20 में से 0.35 को घटाना है। तो देखिए इसको सिंपल साधारण शब्दों में ऐसे देखिए, ये हो गया 20, ये 0.0 कर लीजिए, उसके बाद 0.35 हो गया ये, अब इसको घटाना है तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया ये 19.65 mm जो है हमारा, ये हो गया ड्रिल साइज। ओके, ये देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, हमें रीमर साइज दिया हुआ था 20 mm और उसके लिए हमें ड्रिल साइज निकालना था। तो ड्रिल साइज इक्वल टू होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो रीमर साइज 20 mm, अंडर साइज हम 20 mm की बात करें तो 0.3 होता है, ओवर साइज 0.05 mm होता है जो यहाँ पे है। उसके बाद इसको कैलकुलेट किए तो हमारा आ गया 19.65 mm। फिर चलते हैं ऐसे ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है देखिए इसमें क्या होगा कि जो ड्रिल साइज चेंज होगा, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन तो ऐसे ही होंगे। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है वह है कि एक ड्रिल साइज दिया हुआ है और हमें उसका रीमर साइज दिया हुआ है और ड्रिल साइज निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि 12 mm, क्वेश्चन है कि 12 mm व्यास के रीमर के होल के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करें। यानी ये जो है रीमर साइज दिया हमें कितना 12 mm। ओके, पीछे वाले क्वेश्चन में 20 mm था, इसमें 12 mm दिया है, तो 12 mm व्यास के लिए हमें निकालना है ड्रिल साइज। ठीक है, तो ये हो गया 12 mm माइनस अंडर साइज। तो देखिए 12 mm की बात हो रही है तो 5 mm से कम के जो होते हैं उसके लिए 0.1 से 0.2 mm तक अंडर साइज होता है, और 5 mm से 20 mm तक के लिए 0.2 से 0.3 mm तक अंडर साइज होता है। तो ये है 12 mm, तो 12 mm के लिए होगा अंडर साइज 0.2 mm। ठीक है, उसके बाद ओवर साइज की बात करें तो ओवर साइज 0.05 mm हो गया। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये हो गया 12 माइनस, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75। फिर इसको जब हम इसमें से घटाएंगे, सॉरी 0.25 होगा ना, 25। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 11.75 mm। ओके, ये 11.75 कैसे आता है, तो देखिए ये कोई है नहीं कुछ, 12.00 माइनस 0.25, अब इसमें से इसको घटाएंगे 5, 7 और ये 11.75, ये हो गया। तो ये हो गया कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। फिर ऐसे ही क्वेश्चन होगा जो भी हमें दिया हुआ यहाँ रहता है रीमर साइज, जैसे सपोज रीमर साइज 25 mm दिया हुआ है, तो 25 mm के लिए क्या करते हैं हम देखिए,
क्वेश्चन होगा कि 25 mm के रिमर साइज के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करें, तो यहाँ हम लिखेंगे 25 mm ड्रिल साइज इज इक्वल टू होता है रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। रिमर साइज है 25 mm, 25 mm माइनस 25 mm के लिए जो हमारा 21 से 50 mm तक का रिमर के लिए जो अंडर साइज होता है वो 0.3 से 0.5 mm होता है। तो 21 से 50 की बात हो रही है, ये है 25 mm, उसके लिए जो है अंडर साइज 0.3 mm होगा और प्लस ओवर साइज की बात करें तो ये 0.05 mm होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 माइनस ये हो जाएगा कितना 0.35। अब इसको इसमें से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 25.00 माइनस 0.35, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और ये यानी 24.65 mm। ठीक है, इस प्रकार ड्रिल से संबंधित, रीमर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रीमर के लिए ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये रीमर के लिए जो भी हमारा अंडर साइज और ओवर साइज होता है इससे संबंधित फॉर्मूला देखे और फॉर्मूला पे जो बेसिस, फॉर्मूला के बेस पे जो हमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है उनसे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन किए न्यूमेरिकल किए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ऐसे ही टैप से संबंधित कुछ बातें करेंगे, जैसे अभी हमने ड्रिल से संबंधित बात किया, उसके बाद ड्रिलिंग, रीमिंग, उसके बाद टैपिंग से संबंधित हम बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।